कोर्ट में आज कई सारी पिटीशंस लगी थी, कोर्ट ने सभी की इकट्ठी सुनवाई की, जिसमें मुरथल का मैटर भी था और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के खिलाफ एक रिट पिटीशन जो डली थी, जिसमें काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे। हमने अपना पक्ष क्लियर किया कि ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने तो पहले ही एजिटेशन में किस तरह का प्रोटेस्ट करने की से विड्रॉ कर लिया था और 13 तारीख को ही जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद भी जो सारा हुआ वो किसने किया, कौन वो लोग थे, कौन वो अपराधी थे जिन्होंने हरियाणा में मगजनी करी, जिन्होंने हरियाणा का भाईचारा खराब किया, जिन्होंने लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, हमारे जो हरियाणा की विकास पर इससे गलत असर पड़ेगा, इसमें ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति तो यानी कि तैयार है ये करने के लिए भी, सबका भाईचारा बरकरार रखने के लिए भी और उन क्रिमिनल को पकड़वाने में भी हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसमें हम अपील हुए, हमने अपना पक्ष रखा और एक कोर्ट ने हमें डिटेल रिप्लाई फाइल करने का उसमें समय दिया है, 10 दिन का समय हमें दिया, 10 दिन के अंदर हम अपनी रिप्लाई फाइल करेंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि हमारा जो एजिटेशन हुआ उसमें ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति का किसी तरह का किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया और भाईचारा बरकरार रखने के लिए ही काम किया